टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाजी मलंग जाले के दौरान दो लड़के और दो लड़कियों पर छोटे कपड़े पहनने की वजह से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने 6 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। युवती ने बताया कि पूरी घटना रविवार को हुई है। युवती के अनुसार 6 लोगों ने अचानक से हमला कर दिया कि वो छोटे कपड़े पहने हुए हैं। बड़ी मुश्किल से वो जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुई और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लड़की के अनुसार उस वक्त उनकी शिकायत नहीं ली गई, उन्हें मेडिकल के लिए जाने को कहा गया। मगर जब पीड़ित ने सोशल मीडिया में वीडियो अपना वायरल किया, अपना दुख दर्द बताया, जिसके बाद हिल लाइन पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर मामला दर्ज किया और 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम विशाल वाघ और सोमनाथ वाघ हैं, जिनमें 3 आरोपी नाबालिग भी हैं। हम हाजी मलंग गए थे कुछ 5-6 बजे। वहाँ पे हमने सिर्फ साइट सीइंग के लिए गए थे। हम वहाँ पे 5 मिनट रुकी तो बहुत बारिश आने लगी। मैं वापस कवर लेने के लिए एक शेड के नीचे गई तो वहाँ पे अचानक से 6 लोग डायरेक्टली मारना चालू किए, बहुत गाली देना चालू किए। मेरे फ्रेंड को पहले मारा, फिर मेरा बॉयफ्रेंड आया वहाँ से बाइक लेके, तो मेरा फ्रेंड और वो उसकी फ्रेंड वो दोनों भाग गए। फिर इसको मारना चालू किया, फिर इसको जब तक मार रहे थे फिर मेरे को पकड़ा, मेरे शॉर्ट्स खींचे, मेरा वीडियो निकाला, मेरे को डंडे से मारा, मेरे को हेलमेट जो नीचे गिर गया था उससे मारा, उनको कोई नीचे दारू की बोतल मिल गई थी उससे हम दोनों को फिर से बहुत कंटिन्यूसली मारते रहे, पर वो बॉटल फूटी नहीं। फिर वहाँ से हम लोग भागे, उन लोग ने मेरे को बहुत सारे पीछे पीछे खींचने के टाइम पे जब हम लोग भाग रहे थे, गाड़ी चला भी रहे थे, तो वो लोग पीछे से खींच रहे थे, पीछे से टच कर रहे थे। जब मैं खड़ी भी थी वहाँ पे तो मेरे को कंटिन्यूसली यहाँ पे पेट पे यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूसली मेरे निशान भी है यहाँ पे हाथ पे। तो फिर वहाँ से हम लोग कैसे ना कैसे करके निकले वहाँ से। तो बाहर जब हम लोग पहुँचे तो फिर भी वो लोग हम लोग का पीछा कर रहे थे, पर हम गाँव में किसी से हेल्प नहीं मांगी बिकॉज वी डेंट ट्रस्ट एनी वन कि हम लोग किसी को ट्रस्ट करना चाहिए नहीं, बट वी डेंट सी एनी ऑफिशियल दे। अगर हम बाहर गांव से बाहर अगर चौकी तक जाते तो एक वैन अगर हमें दिख जाती तो मे बी वी कुड हैव आस्क्ड देयर हेल्प, और हम लोग उनको बोलते कि आप अंदर हमारे साथ चलो, वो लोग वहाँ पे तभी पकड़े जा सकते थे। हम लोग वहाँ से चौकी में गए, चौकी वालों ने हमें बोला कि आप डायरेक्ट मेडिकल कराने जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। मेरी हालत देख के, मेरी एक और फ्रेंड थी वो कीचड़ में लटपट थी, उसकी हालत देख के भी देवल है कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप मेडिकल कराने फॉल जाओ। फिर वहाँ से दूसरे पुलिस, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप मेडिकल कराने फॉल जाओ, फिर वहाँ से दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ। वी वर सो टायर्ड, हम लोग के हाथ पैर दुख रहे थे लिटरली, और हम लोग वैसे हालत में कहीं नहीं जा सकते थे। दे टोल्ड अस तुम लोग को आज जाना तो जाओ, नहीं तो कल जाओ। वॉट इफ़ हम वहाँ से चौकी से घर पे जाने तक देवर फॉलोइंग अस एंड हम लोग के साथ रस्ते में कुछ हो जाता, हु वुड हैव थॉट ऑफ दैट। और हम लोग के साथ ये संडे को हुआ, पुलिस वालों ने, मुझे आज पता चल रहा है कि संडे से लेके वहाँ मेन ऑफिस तक ये बात जब तक नहीं पहुँची जब तक ये चीज़ वायरल नहीं हो गई, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे पुलिस स्टेशन में आज गई हूँ, पुलिस स्टेशन में पहुँच ही रही थी, 2 मिनट पहले पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया कि आ जाओ मैडम, बहुत अच्छे से बात किया मैं से, आ जाओ मैडम ये वो। फिर पुलिस स्टेशन में हम वहाँ पे गए, उन्होंने हमको बोला, हम कल गए पुलिस स्टेशन में, उन्होंने ये जो मेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे हमें भेजा था उन्होंने बोला कि आप मेडिकल कराने गए। हम वहाँ पे से मेडिकल कराने गए, वहाँ पे 3 घंटे लगे, वो भी हम लोग का मेडिकल ठीक से किया नहीं है वो लोगों ने। फिर उसके बाद फिर हम लोग आज पुलिस स्टेशन गए और फिर हम लोगों ने FIR किया, वो लोगों ने आज अच्छे से बात किया। पहले बहुत रूड हो गए वो लोग कि आप इतना प्रोटेक्शन रहते, मतलब इतना रात को जाते नहीं हैं, आप क्यों गए, ऐसा नहीं जाना चाहिए था, ऐसे मतलब कुछ तो रीजन होगा। मलंगगढ़मध्ये जी तरुणांनी तरुणींना मारहाण झाली त्या प्रकरणात आपण परवा गुन्हा दाखल केलेला होता, यातील आरोपी अज्ञात होते। त्या आरोपींचा शोध घेण्यासाठी हिललाईन पोलीस स्टेशनची 2 पथकं आपण तयार केलेली होती। तपासाअंती आपण त्यातल्या 5 आरोपींना एकूण ताब्यात घेतलेले आणि आज त्यांना न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहे आणि पुढील तपास करण्यात येत आहे।